छोटा सा बच्चा बताओ उसको बिठा ले। 13 साल का लौटा हूँ। 3 रोज से तुम ले गए मेरे लड़के को, समझ लो तुम्हें हम बताएंगे। मैं मछली बाजार आया था झालर खरीदने त्यौहार के लिए। उतने में दरोगा और सिपाही सब आए, हमसे कहीं चलो थाने में बातचीत करनी है। वहाँ ले गए, हाथ में हथकड़ी लगा दी हमारे, और हम उसको 2 दिन थाने में बैठा ले रहा है। और मैं 17 तारीख को जेल से छूटा था, और उसको 19 तारीख तक की जेल में वहाँ बैठा ले रहा है। और फिर रात को 4 बजे ले कर आए हम उसको मस्जिद के पास, वहीं लिटा दी ने हमें, और कपड़ा लगा के गोली मारी ने, एक फायर ऊपर करी ने, और एक कट्टा बगल में डाल दी ने, और कह इनकी बता देने पुलिस में मुठभेड़ हुई, नहीं तो अभी तो सीने पे भी गोली मार रहा है। इस पर वो इंस्पेक्टर खान ने, जो इंस्पेक्टर है वहाँ के बेगमन थाने के, शरीफ खान। देखिए, अपराधी की बात जहाँ तक है, अपराधी को जो भी चीज़ उसको कहने का है वो अपने अनुसार बोलता है। कोई भी अपराधी, कोई भी चोर कभी कन्फेस नहीं करता है कि वो चोरी करके आया था या कहाँ यहाँ पर ये हमने किया या कुछ और किया। जो भी घटनाएं हैं लगातार इन पर प्रयास किया जा रहा है। जो सक्रिय अपराधी हैं, जो वांछित अपराधी हैं, जो लगातार जनता के साथ लूटपाट कर रहे हैं, जो गन पॉइंट पर ले करके फायर करके जनता को गोली मार करके उनसे छीन रहे हैं, उनके घरों को साफ कर दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल सही कार्रवाइयाँ हो रही हैं। धन्यवाद।